मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। सोमवार को राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए, जहां उनसे करीब 8.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई। लेकिन राहुल गांधी पूछताछ के दौरान ईडी के कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा कई सवालों के जवाब देने के बाद उसने बदलाव भी किए। ऐसे में आज एक बार फिर राहुल गांधी को सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होना है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये अहम पूछताछ होगी, क्योंकि राहुल गांधी के सामने नए सबूत और दस्तावेज रखे जाएंगे, जिस पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। राहुल गांधी का बयान PMLA एक्ट के सेक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पूछताछ में ईडी में 3 अफसर शामिल हुए थे। राहुल गांधी से जवाब देने से पहले शपथ ली गई थी कि वह सभी सवालों का जवाब सच सच देंगे। राहुल गांधी से ईडी के कई सवालों के बारे में पूछा गया। पहले राउंड की पूछताछ के दौरान दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस नेता के सामने सवालों की बौछार की गई। कुछ ट्रांसलेशन दिखाए गए और पूछा गया कि क्या वह इस बारे में जानते हैं। जिस दूसरे राउंड की पूछताछ में उनसे पहले राहुल से कोलकाता की उस कंपनी को लेकर सवाल पूछा गया जिसे फर्जी बताया गया। ईडी का दावा है कि जिस फर्जी कंपनी के जरिए उस कंपनी को 50 लाख रुपए दिए गए, जिसमें राहुल और सोनिया दोनों के 38% शेयर रहे हैं। कुछ दूसरी कंपनियों और लेन देन को लेकर भी सवाल दागे गए, लेकिन बताया जा रहा है कि ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। इस बीच आज पेशी से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कबीर दास की जयंती के अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि साच बाबरी तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच्चा है ताके हृदय पाप। समाज को समानता, सेवा, आपसी सौहार्द और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले संत कबीर दास जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। आपको बता दें कि सोमवार को ईडी के सामने राहुल गांधी के पेशी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन के साथ।